अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब। मेरा पहले आप सब ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आपके कमेंट में सेक्शन में बताएं कि इसमें क्या गलती है। ये अनभक्तों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। बहुत से लोग वीडियो देखे बगैर ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चले जाते हैं। मेरा कहना है कि आप मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आवाज़ पर नहीं, मेरे बातों के पॉइंट पर ध्यान दें। और मेरे पॉइंट अगर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अनभक्तों का नाम लेके। जय अनभक्तों। तो ये शख्स है, इन शख्स का नाम है सत्यम सिंह इनका नाम है। ये है बीजेपी के एमएलए और वो भी मध्य प्रदेश से। ये शख्स ने तो हद ही पार कर दी। बाकी सब बीजेपी के लोग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, जेलों में भर रहे हैं, ये भाई साहब लग गए किडनैपिंग करने में। इन्होंने एक आदमी को किडनैप किया जिसका नाम था सुशील तिवारी। सुशील तिवारी नाम रखने से अच्छा सुशी तड़का रख लेता तो अच्छा होता। सुशी तिवारी जी को इन्होंने किडनैप किया और उनसे 1 करोड़ की डिमांड की, पर पुलिस ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया और इनका नाम शाया हो गया। ये बीजेपी के लोग ना यही करेंगे, मर्डर, चोरी, चकारी, क्योंकि अभी इनका राज है ना, अनभक्तों का राज चल रहा है। अनभक्तों के नाना जी भी तो अपने राज में यही कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ है? मोदी जी हाँ, ये है रहे अनभक्त। अनभक्तों का तो अभी समझ लो कि राम राज चल रहा है। राम राज मतलब जिसको चाह रेप किया, जिसको चाह मार दिया, और यही तो इनको करना आता है। आपको एक जीता जागता हम अनभक्त दिखाएंगे, जो अनभक्त जो अभी अभी गोबर से निकल करके आया है, कुएं का मेंढक। उसे ये भी नहीं पता कि दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, पर बकचोदी करने के लिए ये चले आते हैं सीना फाड़ फाड़ के। क्या ये देखिए हमारे सीएम जी, इसके मुंह में देख के लगता है कि स्कॉच ब्राइट से मुंह धोते हैं। स्कॉच ब्राइट जो बर्तन धुलता है ना, वो बर्तन धुलने वाला जो स्कॉच ब्राइट अगर 1 महीना रख दिया जाए तो इसका थोबड़े जैसा हो जाएगा। तो आपको दिखाते हैं एक जीता जागता अनभक्त, देख के हमें बताइए आपको कैसा लगा ये अनभक्त के सवाल जवाब। मोदी जी ने क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया मोदी जी? मोदी जी ने क्या किया? कितने बेरोजगारी आया आज? तुम यार साबुन सोडा टैक्स सब पर टैक्स दे रहे हो, है पता? आज मंदिर मंदिर बन गया, खत्म मंदिर। मंदिर से रोटी मिल जाएगी क्या? पाकिस्तान से कैसे बात करते? पाकिस्तान से लड़ना है, लड़ो चाइना से लड़ना है। पाकिस्तान मुद्दा से लड़ते हो और बहादुर है? शर्म लगना चाहिए मोदी को कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अरे अपने में छोटे भाई से तुम लड़ रहे हो? खाली पीली बहस कर रहे हो, खाली पीली बहस के बाद है। मंदिर मंदिर देश का रोटी नहीं है सर, क्यों सत्ता देश का रोटी नहीं है सर? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक की मेरी जो आ रही है, मैं ये पढ़ता लिखता हूँ। देश का जीडीपी, देश का आज जो अर्थ के जो अवस्था है। प्रधानमंत्री कौन था? आए पहला प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू था। नेहरू था पहला प्रधानमंत्री। आए दोबारा पढ़ के कौन था पहला प्रधानमंत्री? पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए ना सर, कौन था? अरे बता दिया सर, किसे? कौन कौन था? नेहरू था। आप बताइए कौन था? 2 अक्टूबर किस लिए बनाया था? 2 अक्टूबर क्या है? कुछ भांग का गांजा पिए हो गया कुछ? अभी आपने इनकी बात सुनी, अब इनकी बात सुनी, मुझे क्या नहीं किया? मुझे यही कहना है कि अगर इनके जैसे लोग रहेंगे तो मोदी जी जैसे लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप बताइए ना, भाग क्यों रहे? रुके ना, अरे रुके ना, भाग क्यों रहे? भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड देखा आपने, जीता जागता अनभक्त बोल रहा था मोदी जी ने क्या नहीं किया। मोदी जी ने ये टट्टी पे अपना परचम लहराया है और क्या नहीं किया, इनसे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है, यही कर सकते हैं। अरे आप ये शख्स की देखिए, ये शख्स कोई चपरासी नहीं है, कोई मोची नहीं है, कोई पंचर बनाने वाला नहीं है, कोई दलित नहीं है। यह हमारे इंडिया का सैनिक है जो कि एक फौज में है, मगर आज ऐसी दुहाई रो रहा है कि क्या कहें। और ये घटना कहाँ की है? अमेठी। अमेठी में कुछ दिन पहले ही 2 औरतों ने अपने आप को आग लगा ली, क्योंकि वहाँ के सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी। और यहाँ पे इनके शख्स के फादर को उनके वहाँ के रहने वाले भगवा गुंडों ने मारा, वो भी ऐसे वैसे नहीं मारा, बहुत ही धार धार छुरी से इन पे वार किया और उनकी मौत हो गई। पर ये है फौज, और इन यही फौज है, यही फौज के नाम लेकर के मोदी जी ने 2019 के चुनाव में वोट जीता था। यही फौज, इन्हीं फौज के, यही जब भी मोदी जी के
सरकार जब गिरने वाली होती है ना तो फौज में लोग मरना चालू हो जाते और उनके नाम पे वोट लेना चालू हो जाता। पर यही फौज के आज ये फौज जो हमारा और ये अमेठी में हुआ, जो अमेठी में ये स्मृति ईरानी की सरकार चलती है। स्मृति ईरानी किसके सरकार में है? बीजेपी सरकार में। तो ये वही फौज है जिनका ढिनोरा पीट पीट के इन्होंने पूरे 2019 में ये लिया था। आज इन्हीं के सरकार के अंदर एक फौज के घर में ढुक के मारा जाता है, पर वहाँ की सरकार जो दोगली सरकार है जिसका कटप्पा सरकार है वो कुछ नहीं करते। कई वो भोपू मीडिया जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया, कहाँ गई वो यूपी सरकार जो बोलती थी हम एक सर के बजाय 10 सर लाएंगे, अपने शहर से गुंडा राज हटाएंगे। आज उन्हीं के सरकार में आए दिन रोज एक न एक केस आता है, कभी रेप केस, कभी अगवा केस, कभी मर्डर केस आए दिन आता। पर आज ये मीडिया चुप रहेगी क्योंकि ये यूपी राज है। यूपी राज मतलब राम राज नहीं, रावण राज चल रहा है। राम राज के माने में रावण राज, मुंह में राम राम और दिल में रावण रावण का राज चल रहा है। ये है। और अन भक्तों को चाहिए बस और बस राम मंदिर चाहिए। जैसे उन भक्तों के मुंह से सुना आपने कि मंदिर बनवा दिया, मंदिर से पेट पलेगा, मंदिर चाहिए इनको। मंदिर से क्या होता है? मंदिर कुछ नहीं है। और सबसे ख़राब बात आपको बता दें कि एक शख्स ने अपनी गाय माता को सिर्फ अपने बच्चों की एडुकेशन के लिए ऑनलाइन के लिए स्मार्टफोन खरीदना पड़ा। मगर ये मीडिया कुछ नहीं कहेगी कि कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे तकलीफ हो रही, क्यों गरीबों के ये हाल हो रहा, क्यों सरकार इनकी मदद नहीं कर रही। और एक अच्छी खबर, हमारे इंडियन रेसर को जो 400 मीटर में 2018 में इन्होंने एक एशियन गेम कंप्लीट किया तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, पर आज वो ये हो गया और उनको फिर से उनको गोल्ड मेडल मिला है क्योंकि वहाँ पे इन्होंने जीता था। और जीतने वाले का सबसे पहला नाम मोहम्मद अंसारी, ठीक है। और पाकिस्तान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है जो टिकटॉक और बैगो को ये कर दिया। और एक अच्छी खबर है कि सुल्तान किंग हमारे सेहतयाब हो चुके हैं और अपनी गद्दी पे वापस लौट चुके हैं। और चलते हैं आप आखिरी खबर की तरफ कि हमारे यहाँ पे अब सिख जो पंजाब में काफ़ी दिनों से एक सिख ये गुरुद्वारे बंद था, वो पाकिस्तान ने इन्हें वापस कर दिया है। और उस वो काफ़ 1947 में जब सब इधर इन्हें डिवीज़न हुआ था उसके वजह से ये वहाँ रह गया था, पर पाकिस्तान ने इसे दोबारा दे चुका है सिख समुदाय को। तो आपको हमारा खबर कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।